Dal are pulses are usually sold loose in the market. We usually now dals by their different types like masoor ki dal, urad ki dal, etc. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो mostly pulses होती हैं या dals होती हैं वो market में खुले में बिकती हैं और जिनको हम उनके different different names से जानते हैं जैसे उरद की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई. These names are not brand names. When a company takes मसूर की दाल and puts into a packet, it will need to give the दाल a special name. ये जो दाल के नेम हैं ये उनके ब्रांड नेम नहीं है. अगर कंपनी सपोज मसूर की दाल को एक पैकेट में बंद कर दे तो उसको एक स्पेशल नेम देना पड़ेगा उसके लिए. इट नीड्स टू डू दिस दैट वी डोंट कंफ्यूज द दाल इन अ पर्टिकुलर पैकेट विद द दाल दैट इज सोल्ड लूज. तो अगर कंपनी पैकेट में जिस दाल को बंद करके एक स्पेशल नेम दे देती है तो उसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जो दाल खुली बिक रही है या जो दाल पैकेट में है वो सेम ही है या डिफरेंट है. दे डिसाइडेड ऑन अ नेम लाइक टॉप टेस्ट दाल. उसके बाद वो एक उसको नेम दे देंगे जैसे टॉप टेस्ट दाल. दिस नेमिंग ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग. किसी भी प्रोडक्ट को पर्टिकुलर नेम दे देना ही ब्रांडिंग कहलाता है. सिमिलरली इन द केस ऑफ सोप देयर आर मैनी सोप्स इन द मार्केट टुडे. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल मार्केट में कई प्रकार के साबुन हमें देखने को मिलते हैं. जैसा कि दाल के केस में है वैसा ही सोप के केस में है. In bigger towns and cities, we no longer just say soap, but rather refer to them using a different names of the company that makes them. जो बड़े बड़े towns हो गए और cities हो गई हम उसमें केवल ये कह के नहीं कहते कि soap हमें दे दीजिए, बल्कि हम ये कहते हैं जो company ने उनको different names दिए हुए हैं. जैसे कि Pears का soap दे दीजिए या डिरिल का सोप दे दीजिए. गिवन द मैनी सोप्स इन द मार्केट द कंपनी विल बाय टू गिव द सोप अ डिफरेंट एंड स्पेशल नेम. जो सोप्स मार्केट को कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं या जो सोप मार्केट में कंपनी के थ्रू आए हुए हैं उनको कंपनी ने एक स्पेशल नेम प्रोवाइड किया हुआ है जो अदर सोप से डिफरेंट है. By doing this, they create another brand of soap. और ऐसा करते हुए वो अपने soap को एक different brand का name दे रहे हैं या एक different brand दे रहे हैं जिससे कि वो अपने soap को दूसरे soap से अलग कर सकें. Just naming the product may not make us buy it. केवल product को नाम देने से ही प्रोडक्ट खरीदने योग्य नहीं बनता. द मैन्युफैक्चरर्स दैट मेड द सोप एंड द दाल्स स्टिल हैव टू कन्विंस अस दैट दियर सोप एंड दाल आर बेटर देन अदर अवेलेबल इन द मार्केट. मैन्युफैक्चरर जो सोप बनाता है या दाल बनाता है तो सबसे पहले वो ये कन्विंस करता है, चाहे वो सोप के केस में हो चाहे दाल के केस में हो, कि जो मार्केट में उसका कॉम्पिटिटर है उससे हमारा सोप या हमारी दाल बेटर है. दिस इज वेयर एडवर्टाइजिंग कम्स इन. इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो एडवर्टाइजिंग होता है. इट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन ट्राइंग टू कन्विंस अस टू बाय द प्रोडक्ट दैट इज एडवर्टाइज्ड. एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल एडवर्टाइजिंग प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के लिए कि और कस्टमर को कन्विंस करने के लिए कि जो एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट किया जा रहा है वो अदर प्रोडक्ट से बेटर है और कस्टमर जाए और उसको परचेज कर ले. द टास्क ऑफ क्रिएटिंग अ ब्रांड डज नॉट स्टॉप एट गिविंग द प्रोडक्ट अ स्पेशल नेम.
यह टास्क केवल यही नहीं रुकता कि केवल प्रोडक्ट को एक स्पेशल नाम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल जस्ट व्हेन टॉप टेस्ट दाल बिगिंस टू बी सोल्ड, जैसे कि टॉप टेस्ट दाल जो है वो मार्केट में बेची जा रही है, अनदर कंपनी डिसाइड टू ऑल्सो सेल द दाल्स इन अ पैकेट, दूसरी कंपनी ने और डिसाइड कर दिया कि जो हमारी दाल है वो भी हम पैकेट में बेचेंगे, एंड कॉल दिस बेस्ट टेस्ट दाल, और उसको हम बेस्ट टेस्ट दाल के नाम से सेल करेंगे। सो नाउ देयर आर टू ब्रांडेड दाल्स इन द मार्केट, अब मार्केट में दो ब्रांडेड दाल हो गई, एक टॉप टेस्ट दाल हो गई और दूसरी बेस्ट टेस्ट दाल। बोथ द कंपनीज आर कीन दैट यू बाय देयर दाल्स, अब दोनों कंपनी ये उत्सुक हैं कि आप जो हैं उनकी ही दाल को परचेस करेंगे। द कंज्यूमर स्टूडेंट, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग लेसन नंबर 7, अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। एडवर्टाइजिंग एक ऐसा नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है जिसमें हम अपने आइडिया को प्रमोट करते हैं, गुड्स को प्रमोट करते हैं, सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, और ये एक प्रायोजक के द्वारा या स्पॉन्सर के द्वारा किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग, टुडे वी आर सराउंडेड बाई एडवर्टाइजमेंट और एड एज वी कॉल देम, वी वॉच दीज ऑन टेलीविजन, लिसन टू देम ऑन रेडियो, सी देम ऑन द स्ट्रीट्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग चारों ओर से एडवर्टाइजमेंट से घिरे हुए हैं, हम एडवर्टाइजमेंट को टेलीविज़न पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, गलियों में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, मैगजीन्स में देखते हैं, इवन टैक्सीज एंड रिक्शास कैरी एडवर्टाइजमेंट्स ऑन देम, व्हेन वी गो टू द सिनेमा वी सी एडवर्टाइजमेंट बिफोर द फिल्म बिगिंस, एंड ऑन द इंटरनेट दे ऑफन पॉप अप व्हेन वी गो इनटू डिफरेंट वेबसाइट। यहाँ तक कि हम टैक्सी और रिक्शे में भी, जिससे हम यात्रा करते हैं, उसमें भी हम एडवर्टाइजमेंट के बैनर या बोर्ड को देखते हैं। जब हम सिनेमा में मूवी देखने जाते हैं तो फिल्म शुरू होने से पहले भी हम एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, और जब हम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट को सर्च करते हैं या उनको ओपन करते हैं तब भी हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। व्हाट डू एडवर्टाइजमेंट डू, एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, हाउ डे अट्रैक्ट आवर अटेंशन, ये कैसे करके हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता है, इसी के बारे में अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट ड्रा योर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजमेंट हमारे ध्यान को डिफरेंट प्रोडक्ट्स की ओर खींचता है या ले जाता है। डिस्क्राइब देम पॉजिटिवली सो दैट वी बिकम इंटरेस्टेड इन बाइंग देम, और हम उसमें अपना इंटरेस्ट क्रिएट करने लगते हैं और उसके साथ ही हम उसको खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं या खरीदने लगते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन टू एडवर्टाइजमेंट दैट यू सी अबव द अंडरस्टैंड, इस चैप्टर में हम दो एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखेंगे। एडवर्टाइजिंग डज एंड हाउ इट वर्क्स, एडवर्टाइजमेंट क्या करता है और कैसे ये वर्क करता है, कार्य करता है। बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज, हैव यू एवर हेयर्ड ऑफ द वर्ल्ड ब्रांड, क्या आपने कभी ब्रांड के बारे में सुना है या आप क्या ब्रांड के बारे में सुन चुके हैं। एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स, एडवर्टाइजिंग में बहुत सारी ब्रांड दिखाई जाती हैं। एट अ वेरी बेसिक लेवल ब्रांडिंग मीन्स स्टाम्पिंग अ प्रोडक्ट विद अ पर्टिकुलर नेम और साइन, ब्रांडिंग का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर एक स्टाम्प लगा देना, एक मोहर लगा देना और उसको पर्टिकुलर एक नेम या साइन दे देना। दिस इज डन इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट इट
फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट. ये मार्केट में जो अदर प्रोडक्ट हैं उनसे इसको अलग करता है. सो लेट अस लुक अगेन एट द एडवर्टाइजमेंट्स अबव. व्हाई डू यू थिंक द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द सोप एंड द दाल गेव दियर प्रोडक्ट अ स्पेसिफिक नेम. अब हम ये देखेंगे कि जो एडवर्टाइजमेंट है और क्यों मैन्युफैक्चरर या जो निर्माता है जो सोप बनाता है या दाल बनाता है वो अपने प्रोडक्ट को एक स्पेशल नाम क्यों देता है.